व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम गाइस, एक मिनट यार मजा है, एक बारी फिर से करता हूँ। सिस्टम तो व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम गाइस और मेरे प्यारे साथियों, तो देखो यार 2024 का जो साल है ना वो काफी ज्यादा खास है। मगर क्यों? क्योंकि इस साल हमें काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीजें देखने को मिली जिसके लिए हम अभी तैयार भी नहीं थे। वी आर नॉट इवन रेडी फॉर दिस शिट। जैसे कि ट्रॉली की टपरी और बिल गेट्स का कोलैब, आरसीबी का आईपीएल जीत जाना, वुमेन्स आईपीएल। इसके अलावा हमें काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी और लफड़े भी देखने को मिले। जैसे कि बैक्स्टन और एल्विश का कैनी वर्सेस रजत, हनी सिंह वर्सेस बादशाह, पी सीरीज वर्सेस मिस्टर बीस्ट, मोदी जी वर्सेस ध्रुव राठी। ओ भाई, अरे बस कर भाई, ओ पागल कर दिया पिता जा। भाई इतना तो हमारे स्कूल का सिलेबस नहीं होता था जितने लफड़े साल हो गए हैं। तुम ये मान लो कि इस साल को लोग महीनों से नहीं बल्कि लफड़ों से याद रखेंगे। जैसे कि रिसेंटली अभी नया ताजा ताजा तवे से उतारा हुआ फ्रेश कॉन्ट्रोवर्सी हमें देखने को मिली है बिटवीन एल्विश यादव वर्सेस ध्रुव राठी के बीच में। तो यार कुछ दिन पहले एल्विश भाई ने अपने सिस्टम पे, मतलब अपने यूट्यूब चैनल पर ध्रुव राठी पर 40 मिनट की एक वीडियो अपलोड करी। एक बार जरा वीडियो का थंबनेल देखो। वीडियो के थंबनेल में ही जर्मन शेफर्ड का यूज करा है एल्विश भाई ने। वैसे दैट मेक सेंस क्योंकि एल्विश भाई को तो जानवर पहले से ही पसंद है। तो आओ जरा एल्विश भाई की वीडियो देखते हैं। क्लियर होंगी वीडियो को ना एंड तक देखना। तो आज फैक्ट चेक करते हैं मिस्टर ध्रुव राठी का। देखो इंटरनेट के ऊपर तो यार कोई भी अपने ओपिनियन दे सकता है। मैं तो ये कहता हूँ ओपिनियन दो वहाँ पे जहाँ पे तुम पैसे कमा सको। अरे वाह भाई, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। देखो एल्विश भाई के चैनल पर तो एडसेंस आ गई पर उनको नहीं है। देख रहे हो कितना हाईली इंटेलिजेंट वर्ड प्ले था। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तुम ये मान लो कि तुम कोई रोमांटिक सीन देख रहे हो और बस किस होने ही वाली है और चुपके के बीच में च्यवनप्राश की एड आ जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? एल्विश भाई आपको इतनी ज्यादा कोलैबोरेशन करने की क्या जरूरत है? रेंटेड गाड़ियां तो सस्ती मिल जाती हैं। अब आओ ये वीडियो आगे देखते हैं। चीज लिखी थी कि नेशनलिज्म जो है ना वो एक बीमारी है, मतलब कि जो क्या बोलते हैं भाई नेशनलिज्म को हिंदी में, राष्ट्रवादीपना, जो राष्ट्रवादीपना है हमारे अंदर वो इट्स अ वेस्ट। ये हमारे ध्रुव भाई ने लिखा था, बताओ। अरे एल्विश भाई वो बात ध्रुव राठी ने नहीं, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कही है। वो देखो पहली बात तो एल्विश भाई, ये राष्ट्रवादी पना कुछ नहीं होता, सिर्फ राष्ट्रवादी होता है। और फिर आप कहते हो कि आपके 12th में 94% आए थे। तो मेरे 12th में नंबर आए भाई 94%। हम तो भैया देश प्रेमी है खूब। अब हमें कुछ भी कह लो, हमें वेस्ट कह लो, हमें बेवकूफ कह लो, हमें पागल कह लो, भाई जैसी बातें आप कर रहे हो उस हिसाब से तो लोगों के पास अब ज्यादा ऑप्शन बचे नहीं है। पागल कह लो, देश प्रेम हमारे अंदर भरा है, यहाँ पूरा पूरे शरीर में देश प्रेम भरा है। और जहर देखो दोस्तों, जैसे हर वॉशरूम मेंस नहीं होता, हर गाड़ी बेंज नहीं होती, वैसे ही कॉमन सेंस कॉमन नहीं होती। कितनी चिंता करते हैं, ध्रुव भाई ने वोट नहीं डाला क्या है? ध्रुव भाई अब नकली इंक लगा के मत आ जाना कि वोट डाला मैंने, ये देखो। इस लॉजिक के हिसाब से तो अमेरिका भी इंडिया की मदद करता है, तो क्या जो बाइडन भी जो बनर्जी बनकर वोट देने आ जाए? क्या बात है सर। तुम लोग को बता दूं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तुम ड्यूअल सिटीजनशिप मतलब दो कंट्री की सिटीजनशिप नहीं रख सकते इंडिया में। और आर्टिकल मैं लगा दूंगा यहाँ पे, और रिसर्च मैं नहीं करी भाई, आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। तो इसीलिए एल्विश भाई ड्यूअल सिटीजनशिप इंडिया के सिस्टम में अभी इस वक्त नहीं है। तो गाइस अभी अपडेट आ रही है कि माइटी राजू उर्फ रजत दलाल भाई को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया क्योंकि उन्होंने एक 18 साल के लड़के को किडनैप और टॉर्चर करा है। देखो जितना प्यार जेठालाल को बबीता जी से है उतना ही प्यार रजत भैया को लफड़ों से है। मेरे को समझ नहीं आता कि इन्हें कौन सी खुशी मिलती है लड़ाई करके। भाई मेरे को लगता है रजत भैया बिग बॉस में बहुत बढ़िया खेलेंगे पर रियल लाइफ में तो मत लड़ो भाई कम से कम। और फिर जब कैरी भाई इनको ये बोल देते हैं कि जिम जाने से बॉडी बनती है अकल नहीं, तो ये लोग बुरा मान जाते हैं उस बात का।
अरे रजत भाई, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे काफी सारे यूट्यूबर्स लोग भी इनको इतने ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि क्या होगा कि 2-3 दिन के बाद रजत भाई जेल से छूट जाएंगे, नॉर्मल लाइफ जिएंगे वापस, और दोबारा से लोग उनके साथ कोलैब करेंगे, क्योंकि एंगेजमेंट तो है ना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस। तो यार मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं ना ही एल्विश भाई की तरफ हूँ, ना ही मैं ध्रुव राठी की तरफ हूँ, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ फन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए थी। जो भी बातें इसमें बोली वो सिर्फ फन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड पीस सिस्टम। मेरे हिसाब से आपने डिग्री बहुत अच्छे से ले ली, पर डोनेशन से तो देखो कोई भी एडमिशन ले ले। दोस्तों मुझे मेरे बाप से बचाओ यार।